Assalamu alaikum students, how are you? Hope so that you all will be fine. Yes, okay. And this is lecture number 5 and inshallah today this short story we are gonna finish it. So let's start without wasting any single minute. Are you, kya tum, he seemed to draw back slightly. He seemed, wo nazar aa raha tha to draw back slightly ke ab wo apne mauqif se peeche hat raha hai. नॉर्मा से कन्वर्सेट कर रहे हैं. हमने ये बातें पढ़ी हैं कि नॉर्मा उसे परसवेट कर रही है कि हमें बटन दबा देना चाहिए, इससे कुछ भी नहीं होगा, कोई बीमार शख्स वो मर जाएगा या कोई बूढ़ा चीनी किसान मर जाएगा या ये कोई वैसे ही एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये कोई हो सकता है प्रैक्टिकल जोक हो, ये कोई असल में कोई इस तरह किसी को वो मारने नहीं लगे हैं. किसी भी तरीके से नॉर्मा चाहती है कि बटन दबाकर जो पैसे हैं वो हासिल कर लिए जाएँ. और अब ये काफ़ी टेंस हो चुकी है उनकी गुफ्तगू. तो यहाँ पर आर यू, क्या तुम, ही सीम टू ड्रॉ बैक स्लाइटली, आर्थर अपने मौकफ से पीछे हटता हुआ नजर आया. आर यू रियली सीइंग, क्या तुम वाकई कह रही हो, आई एम सेइंग दैट, मैं ये कह रही हूँ, दे आर प्रोबेबली, कि वो गालबन या शायद डूइंग इट, ये कर रहे हैं फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, किसी तहकीकी मंसूबे के लिए, वो इसको किसी तहकीकी मंसूबे के लिए कर रहे हैं. शी कट हिम ऑफ, नॉर्मा ने उसकी बात को काटा. दैट दे वॉन्ट टू नो, और वो ये जानना चाहते हैं, व्हाट एवरेज पीपल वुड डू, के औसत या आम लोग जो हैं वो क्या करेंगे अंडर सच ए सर्कमस्टांस, इस तरह के हालात में, इस तरह के हालात में आम लोग क्या करेंगे, वो ये जानना चाहते हैं. दैट दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई, और वो सिर्फ कह रहे हैं कि कोई मर जाएगा, इन ऑर्डर, ताकि टू स्टडी रिएक्शंस, ताकि वो रद्द अमल जांच सकें कि असल में कोई नहीं मरेगा, हम बटन प्रेस करेंगे और वो उससे हमारा रद्द अमल देखेंगे कि हमारे जहनी कैफियत या हमारी दिली कैफियत उसके बाद क्या होती है, सी, ये देखने के लिए इफ देयर वुड बी गिल्ट, कि क्या कोई शर्मिंदगी महसूस होती है, एनजाइटी या परेशानी, वट एवर कुछ भी हो ऐसा. यू डोंट रियली थिंक दे वुड किल समबडी, क्या तुम ये वाकई नहीं सोचते कि वो किसी को कत्ल कर देंगे, डू यू, क्या तुम ऐसा सोचते हो. अब ये जो डू यू है, ये टैग क्वेश्चन है जो कि एक स्टेटमेंट के बाद बोला जा सकता है. यू डोंट रियली थिंक, तुम नहीं सोचते हो, दैट दे वुड किल समबडी, कि वो किसी को कत्ल कर देंगे, डू यू, क्या तुम ऐसा सोचते हो. तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एक तो ये है कि ये एंड पर पूछा जाता है किसी भी स्टेटमेंट के. दूसरा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो ये पॉजिटिव होता है, डू यू, क्योंकि यहाँ पर डोंट आया है. और अगर ये जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव हो तो फिर ये नेगेटिव पूछा जाता है. फिर यहाँ पर डोंट यू आना था. अगर यहाँ पर होता कि यू रियली थिंक दे वुड किल समबडी तो फिर यहाँ पर आना था डोंट यू. तो इसको कहते हैं टैग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन. आर्थर डिडंट आंसर, आर्थर ने जवाब ना दिया. ही सॉ हिज हैंड्स ट्रैम्बलिंग, उसने, शी सॉ हिज हैंड्स ट्रैम्बलिंग, उसने देखा कि आर्थर के हाथ कांप रहे थे, ट्रैम्बलिंग, शेकिंग. आफ्टर ए वाइल, और कुछ देर बाद, ही गॉट अप एंड लेफ्ट, वो उठा और चला गया. यानी कि उसने मजीद कुछ ना बोला और कन्वर्सेट जो है वो अपने एंड पे उसने ख़त्म कर दिया. व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, अब यहाँ पर ये वुड नहीं है तो कैसे पता चला ये वुड नहीं है, ये हैड है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ रही है, गो, वेंट, गॉन. तो गॉन से पहले हम परफेक्ट का कोई ना कोई जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ करते हैं, हैज, हैव या हैड. व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, जब वो काम पर जा चुका, नॉर्मा रिमेन एट द टेबल, नॉर्मा मेज पर बैठी रही, स्टेयरिंग इनटू हर कॉफ़ी, और अपने कॉफ़ी में घूरती रही. आई एम गोइंग टू बी लेट, शी थॉट, उसने सोचा कि मुझे देर हो रही है, यानी कि मुझे भी ऑफिस जाना चाहिए और मैं लेट हो रही हूँ, मुझे देर हो रही है. शी श्रग, फिर उसने कंधे उचकाए. व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि अगर मैं लेट हो भी रही हूँ तो फिर क्या हुआ, कोई इशू नहीं है. व्हाइल शी वाज स्टैकिंग डिशेस, जब वो बर्तन इकट्ठे कर रही थी, स्टैकिंग, कलेक्टिंग, शी टर्न्ड अब्रप्टली, वो अचानक वापस मुड़ी, ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथ साफ किए, एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और डिब्बे को या पलंदे को अलमारी, तह वाली अलमारी से या अलमारी के निचले हिस्से से निकाला. ओपनिंग इट, इसको खोला. शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, उसने बटन वाला आला मेज पर रखा. शी स्टेयर्ड एट इट, वो इसको घूरती रही फॉर अ लॉन्ग टाइम, बड़ी देर तक, बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स इनवेलप,
लिफाफे में से चाबी को बाहर निकालने से पहले वो उसे बड़ी देर तक घूरती रही. एंड रिमूविंग द ग्लास स्टोन, और उसने ग्लास शीशे नुमा जो मेहराबी शीशा है उसको उतार दिया. शी स्टेयर्ड एट द बटन, उसने बटन को घूरा. हाउ रिडिकुलस, रिडिकुलस एब्सर्ड फनी, कितना अहमकाना है. शी थॉट, उसने सोचा, ऑल दिस फ्यूरी ओवर ए मीनिंगलेस बटन. फ्यूरी अप्रोर, हंगामा, इतना ज़्यादा हंगामा एक बेमकसद बटन पर. रीचिंग आउट, हाथ बढ़ाते हुए, शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने बटन को दबा दिया. फॉर अस, हमारी बला से, यानी कि हमारी तरफ से भाड़ में जाए, हमारी बला से. शी थॉट एंग्रली, उसने गुस्से से सोचा. तो ये मैं शायद पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एंगर जो है वो नाउन है, अगर ये एंगर होता, और एंग्री एडजेक्टिव है और एंगरली एडवर्ब है. शी शडर्ड, वो कांप उठी. ट्रेम्बल्ड, व्हाट वाज इट हैपनिंग, क्या ये हो रहा है, यानी कि कोई कत्ल हो रहा है. अ चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, एक लहर खौफ की, या खौफ की एक सर्द लहर उसके जिस्म में दौड़ गई. इन ए मोमेंट, एक ही लम्हे में, इट हैड पास्ड, ये लहर गुजर चुकी थी. शी मेड ए कंटेम्पचुअस नॉइस, उसने हकारत आमेज आवाज़ पैदा की या निकाली. रिडिकुलस, अहमकाना. शी थॉट, उसने सोचा, टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, इतनी सी बात पर इतना ज़्यादा परेशान होना, या फजूल बात पर इतना ज़्यादा परेशान हुए. शी थ्रू द बटन यूनिट, उसने वो बटन वाला आला फेंक दिया. डूम, उस मेहराबी शीशे को. एंड द की इन टू द वेस्ट बास्केट, और चाबी को रद्दी की टोकरी में. एंड हर्रीड टू डेस्क फॉर वर्क, और फिर काम पर जाने के लिए तैयार होने लगी. शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर द सुपर स्टैक्स व्हेन द टेलीफोन रैंग, वो शाम का जो खाना, यानी कि शाम का जो गोश्त के टुकड़े थे, वो अभी पलट कर ही हटी थी, तो फ़ोन की जो घंटी है वो बजी. शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया या उसने फ़ोन उठाया. हेलो, तो उसने हेलो बोला है. मिसेस लुईस, आगे से आवाज़ आ रही है, क्या आप मिसेस लुईस हैं? तो नॉर्मा ने कहा यस, हाँ. और आगे क्वेश्चन मार्क है. दिस इज़ द लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल, और ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका लेनॉक्स का एल कैपिटल है, हिल का एच कैपिटल है, और हॉस्पिटल का भी एच जो है वो कैपिटल है. ये लेनॉक्स हॉस्पिटल है. शी फेल्ट अनरियल, उसे गैर यकीनी महसूस हुआ. एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड, क्योंकि आवाज़ से उसे ये बताया गया. हर ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, एक जेरे ज़मीन होने वाले हादसे के बारे में. अब डैश आ रही है, तो डैश का एक फंक्शन हमने ये पढ़ा था कि वो पिछले क्लॉज के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है. तो यहाँ पर ये जो सबवे एक्सीडेंट है, पर्टिकुलरली नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है. द शोविंग क्राउड के एक धक्कम पेल करते हुए मजमे ने आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, आर्थर को चबूतरे से धक्का दे दिया है. इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, रेलगाड़ी के आगे. शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड बट कुडंट स्टॉप, उसे पता था कि वो अपना सर हिला रही है लेकिन वो इसको रोक ना सकी. एज शी हंग अप, जब उसने फ़ोन बंद किया, शी रिमेंबर्ड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000 विद डबल इंडेमनिटी. फॉर इंडेमनिटी मुआवजे को कहते हैं. उसे याद आया आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी के बारे में, जो कि $25,000 की थी और वो दुगनी मुआवजे के साथ दी जानी थी. फॉर आगे जो ये बात है वो रोक दी गई है कि दुगनी मुआवजे के तौर पर दी जानी थी अगर वहाँ पर कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है. तो आर्थर की एक्सीडेंटल डेथ हुई है और ये $25,000 जो है ये डबल इंडेमनिटी $50,000 बन जाएंगे. एंड मिस्टर स्टीवर्ट सेड द सेम थिंग दैट इफ़ यू वुड पुश द बटन समवेयर इन द वर्ल्ड समवन अननोन टू यू वुड डाई एंड यू वुड बी गिवन $50,000. तो उसने ये नहीं कहा था कि मैं आकर आपको $50,000 दूंगा, आपको $50,000 मिल जाएंगे. तो वो किसी भी सूरत में मिलें, किसी भी सोर्स से मिलें, वो आपको मिल ज़रूर जाएंगे. तो ये एक जो गेम है वो इनके साथ यहाँ पर जो वो एजेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, मिस्टर स्टीवर्ड, वो खेल चुका है. नो, नहीं, शी कुडंट सीम टू ब्रीद, उसे सांस नहीं आ रहा था. एक ब्रीद है, ये वर्ब है, और एक होता है ब्रेथ, और वो है सांस, वो नाउन होता है. इसका मतलब है सांस लेना, उसका मतलब सिर्फ सांस है. शी स्ट्रगल्ड टू हर फीट, वो बड़े मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हो सकी. एंड वॉक्ड इनटू द किचन, और किचन बावर्ची खाने तक चल कर गई. नंबली बेहिस, यानी कि उसके अंदर उसे अपनी जान महसूस नहीं हो रही थी. समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल,
और उसके जहन पर कोई ख्याल जो है, कोई उलझन जो है वो दबाव डाल रही थी। एज शी रिमूव द बटन यूनिट, जब उसने वो बटन वाला आला जो है वो निकाला फ्रॉम दी वेस्ट बास्केट, रद्दी की टोकरी में से, देयर वर नो नेल्स नो स्क्रूज विजिबल। नेल्स पेच कील और स्क्रूज जो हैं वो पेच को कहते हैं, कि उसमें कोई भी कील और पेच नज़र नहीं आ रहे थे। शी कुडंट सी हाउ इट वॉज पुट टुगेदर, और वो ये नहीं देख पा रही थी कि इसको आपस में जोड़ा कैसे गया है। अब्रप्टली अचानक शी बिगेन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज। सिंक बावर्चे खाने में जो बर्तन धोने के लिए एक जगह बनी होती है उसको उर्दू में हम लगन कहते हैं, और उसने अचानक लगन के किनारे एज किनारे पर उसको ज़ोर ज़ोर से ज़र्ब लगाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, वो इसको ज़ोर मज़ीद से मज़ीद ज़ोर से इसको ज़रबे लगा रही थी। अनटिल द वुड स्प्लिट, यहाँ तक कि लकड़ी जो है वो फट गई। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, फिर उसने खींच कर अतराफ़ को उखाड़ दिया। कटिंग हर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग, इससे उसकी उंगलियाँ कट गईं लेकिन उसको मालूम ना हुआ। देयर वर नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स, डब्बे में कोई बरकी आले मौजूद नहीं थे। नो वायर्स, कोई तारे मौजूद नहीं थी, और ट्यूब्स या कोई नलकियाँ, कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं था कि उसमें कोई ना कोई जो मशीनरी है वो यूज़ की गई हो। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, डब्बा बिल्कुल खाली था। एक्चुअली द सीन हैज़ द सेम करेक्टरिस्टिक्स, गुनाह जो है वो बड़ा चार्मिंग नज़र आता है, बड़ा अट्रैक्टिव नज़र आता है, और बाहर से वो बड़ा अपेरेंटली बहुत ही अच्छा और वो हरा भरा सब्ज़ बाग जिसको कहते हैं वैसा सब कुछ नज़र आ रहा होता है, लेकिन जो रियलिटी है वो यही होती है कि जब आप गुनाह कर चुके होते हैं तो फिर आपको पता चलता है दैट इट वॉज एम्प्टी, कि मैं तो बड़ा बेवकूफ़ बन गया, मैंने ये काम कर लिया हालांकि इस काम का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और ये तो मुझे फजूल में ही यानी कि इतना ये अट्रैक्ट कर रहा था, ये तो बिल्कुल एक फजूल सी चीज़ है, बेमकसद सी चीज़ है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर एक जो मॉरल लेसन है वो हमें ये छोटी सी जो लाइन ऑफ द बॉक्स वॉज एम्प्टी, ये हमें रियल लाइफ में जो हकीकत होती है उससे हमें आश्ना करवा दी। शी विल्ड विद अ गैस्प एज अ टेलीफोन रैंग, और वो अचानक मुड़ी जब टेलीफोन की घंटी बजी। स्टम्बलिंग इन टू द लिविंग रूम, लड़खड़ाती हुई दीवान खाने में पहुंची। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। मिसेस लुईस, मिसेस स्टीवर्ट आस्क्ड, मिसेस स्टीवर्ट ने पूछा क्या आप मिसेस लुईस हैं। इट वॉजंट हर वॉइस शेकिंग सो इट कुडंट बी, तो जो भी आगे उसने डायलॉग बोला है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये इतनी चीखती हुई आवाज़ उसकी नहीं थी, ना ये उसकी हो सकती थी। यू सेड आई वुडंट नो द वन दैट डाइड, नॉर्मा ने अब ये चीखते हुए बोला है कि तुमने कहा था कि वो शख्स मरेगा जिसको मैं जानती नहीं होंगी। तो आगे से जो मिस्टर स्टीवर्ड है, बड़ा उसका एक शॉकिंग डायलॉग है जो कि इस शॉर्ट स्टोरी का एंडिंग डायलॉग है। माय डियर लेडी, मेरी प्यारी मोहतरमा, मिस्टर स्टीवर्ड सैड, मिस्टर स्टीवर्ड ने कहा, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, क्या आपको वाकई लगता है कि क्या आप अपने शोहर को जानती थी। तो एक्चुअली दिस लाइन इज़ डेलिनेटिंग एंड डिपिक्टिंग द थीम ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी दैट नॉर्मा एंड आर्थर, दे वर हस्बैंड एंड वाइफ बट दे वर जस्ट लिविंग अंडर अ सेम रूफ, दे डिडंट हैव द केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड ईच अदर, वो एक दूसरे को समझते नहीं थे, वो सिर्फ एक घर में रह रहे थे। तो साथ रहना, सिर्फ साथ रहना एक और चीज़ है, लेकिन एक दूसरे को समझ कर चलना, एक दूसरे को समझ कर साथ रहना, ये एक और चीज़ होती है। तो यहाँ पर हमें ये लेसन मिलता है दैट ही हु डिग्स अ पिट फॉर अदर्स फॉल्स इनटू इट, कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। तो नॉर्मा अगर किसी और को मारना चाह रही थी पैसों की खातिर, तो यहाँ पर उसके साथ ये हुआ है कि उसको वो पैसे ज़रूर मिले हैं लेकिन उसका जो शौहर है वही मौत के मुँह में चला गया है। सो ग्रीड इज़ ए कर्स, तो यहाँ पर हमें ये लेसन जो है वो मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।